यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय राज्य बिजली मंत्री राजकुमार सिंह के साथ बैठक की। ये बैठक श्रम शक्ति भवन में हुई। इस दौरान स्मार्ट पावर ग्रिड गुरुग्राम के पानी के मुद्दे को लेकर बातचीत भी हुई। तो आपको बता दें, श्रम शक्ति भवन में ये बैठक हुई है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पर पहुंचे थे। पानी के मुद्दे को लेकर चर्चा इस दौरान की गई और कई अहम फैसले भी लिए गए। कई चर्चाएं इस दौरान की गई जो कि काफी अहम मानी जा रही है, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हरियाणा सरकार है वो सक्रिय होती नजर आ रही है इन सारे मुद्दों पर, पानी के मुद्दों पर, जो कि काफी समय से हरियाणा की समस्या भी रह चुका है, हरियाणा की एक समस्या की जड़ भी रह चुका है। पानी का मुद्दा की अगर बात की जाए तो उस पर आज चर्चा हुई है। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है यानी कि मनोहर लाल खट्टर, वो गए थे और उन्होंने बैठक की है, और ऊर्जा मंत्री राजकुमार से भी उन्होंने मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें, कई विषयों पर इस दौरान चर्चा की गई। श्रम शक्ति भवन में ये बैठक हुई है, जितनी भी ये बैठक है ये श्रम शक्ति भवन में हुई है। तो SYL और पंजाब के साथ पानी के मसलों को लेकर मनोहर लाल खट्टर की नितिन गडकरी से मुलाकात हुई। हांसी बुटाना नहर, किशाऊ बांध और रावी नदी के पानी को लेकर यहां पर चर्चा की गई, और साथ ही नितिन गडकरी के साथ भी सीएम की दिल्ली हरियाणा पानी विवाद को लेकर भी चर्चा हुई है। नितिन गडकरी के सामने हरियाणा ने अपना पक्ष भी रखा है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है पानी के विवाद को लेकर, SYL के विवाद को लेकर, तो कहीं ना कहीं जहां पंजाब सरकार को इस ओर से एक झटका लगा है, तो वहीं हरियाणा के मन में अब उम्मीदें जागनी शुरू हो गई है कि उन्हें भी उनके हिस्से का पानी मिलेंगे। अब इसमें कई मंत्री भी शामिल हो रहे हैं, जैसे कि आपको बता दें जल संसाधन मंत्री, जो कि आश्वासन देते हैं कि वो उनकी इस चीज में सहयोग देंगे। उसी के साथ ही अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर जो पंजाब का पानी जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है उस पर भी चर्चा की गई है, और दोबारा से इसमें चर्चा करने की बात की गई है, क्योंकि पहले भी जो पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्हें पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी गई थी, और अब बाद में भी जो पंजाब से पाकिस्तान की ओर पानी जा रहा है उसे रुकवाने की मांग की जा रही है। तो आपको बता दें, सक्रिय होते नजर आ रहे हैं हरियाणा के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और इस दौरान मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जो जल संसाधन मंत्री है नितिन गडकरी, इस दौरान उन्होंने उनसे भी मुलाकात की है। कई चर्चाएं निकलकर सामने आई है, चर्चाओं में कई प्रकार के वार्तालाप किए गए थे, जिनमें कि पानी का मुद्दा विशेष कह सकते हैं, पानी का मुद्दा विशेष इस दौरान रहा है। और एक अहम बात यहां पर यह भी रही है कि जो पंजाब का पानी पाकिस्तान की ओर जा रहा है उस पर भी चर्चा की गई। और इसके साथ ही हमारा जो पावर डिपार्टमेंट का एक विषय काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, वो स्मार्ट ग्रिड गुरुग्राम के लिए हमारा एक 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, उसमें एक सब्सिडी 75% सेंट्रल सब्सिडी हमको मिलनी थी, उसका एक पोर्शन हमको मिल गया था, लेकिन 550 करोड़ रुपया अभी बकाया था। तो मंत्री जी से हमने कहा तो इन्होंने कहा कि 550 करोड़ रुपया आश्वासन दिया है कि हम आपको जल्दी दे देंगे। तो इस प्रकार के दोनों विषयों के ऊपर हमारी जो सहमति बनी। गुड़गांव स्मार्ट ग्रिड का जो है 24/7 का जो हमारा प्रोजेक्ट वो चालू हो चुका है, और उसमें निश्चित रूप से अब जितने भी पावर कट्स लगते हैं वो पावर कट्स वहाँ नहीं लगेंगे, और 24/7 रेगुलेटेड एक पावर का जो सिस्टम है वो लगातार बिना किसी बाधा के और बिना किसी रुकावट के मिलेगा। अब चल रहा है उसके ऊपर, 4 फेज उसके बनाए हमने, एक फेज पर काम पूरा हो गया, बाकी फेज पर काम चल रहा है। उसी में से 550 करोड़ रुपए का जो बकाया ग्रांट थी वो आज सैंक्शन आप लोगों ने कर दी है, वो हमको मिलेगी जी। दो विषयों पर हमारी बातचीत थी, मैंने आदरणीय मंत्री जी से, सिंह साहब से जो निवेदन किया था, समय तय किया था। एक विषय हमारा BBMB का था, जिसके अंदर पानी की, क्योंकि लेवल उसका बहुत कम होता जा रहा है, और उसके रेगुलेशन को लेकर के, ताकि बोर्ड को एक निर्देश दिया जाए उसका रेगुलेशन ठीक रखा जाए, क्योंकि उसमें अभी पानी का जो स्तर आ गया है तो आगे गर्मी बढ़ रही है, तो पीने के पानी का आश्वासन ये ज़रूर मिलना चाहिए। तो एक तय हुआ कि पहली प्रायोरिटी हमारी पीने के पानी की होगी, और उसके बाद इरिगेशन का जो विषय होगा, तो इस प्रायोरिटी के आधार के ऊपर पीने का पानी हमको लगातार इस आने वाले गर्मियों के समय में ये पूरा हमको उपलब्ध होता रहे।